दोस्तों आज हम इस वीडियो में गंगा एक्सप्रेसवे पर बहुत बड़ी अपडेट लेकर आ गए हैं। दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल कर दिया गया है और दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे को 8 लेन के लिंक से भी जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों 8 लेन के लिंक से जुड़ेंगे गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ व प्रयागराज के लोगों के लिए यह नया प्रोजेक्ट खुशखबरी लेकर आया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे व गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। इस पर प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं, अब बस निर्माण कार्य किया जाएगा। NHAI ने गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे केंद्रीय मंत्रालय ने भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब जल्द निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे को बिजोली गांव के पास से ही जोड़ा जाएगा। यह लिंक 2 किलोमीटर लंबा और 8 लेन चौड़ा होगा। इसके लिए इस लिंक को 8 लेन चौड़ा बनाना होगा। जल्द ही इस लिंक मार्ग के निर्माण के लिए विभिन्न प्रक्रिया शुरू की जाएंगी। गंगा एक्सप्रेसवे व दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के आपस में जुड़ जाने से न सिर्फ दूरी कम होगी बल्कि समय भी कम हो जाएगा। जिन्हें अब हापुड़ व अन्य शहरों में जाने का सफर मेरठ में बिना आए करना होता है, वे बाहर ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे पर चले जाएंगे। इसी के साथ दिल्ली से प्रयागराज तक जाने के लिए अन्य शहरों में जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे को बिजोली गांव के पास से ही जोड़ा जाएगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट बिजोली गांव के पास से ही है और यह बिजोली गांव के पास से ही जोड़ा जाएगा। दोस्तों ये थी नई अपडेट जो हमने आपको बताई। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।